हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और बहुत ज्यादा बेस्ट है ये ट्रिक। इसे मैं भी डेली अपनी स्किन केयर रूटीन में एड करती हूँ और मैं भी इसे ट्राई करती हूँ, इसीलिए मुझे बहुत ही बेस्ट लगी ये ट्रिक। सोचा आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करूं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि ये ट्रिक क्या है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि वो ट्रिक क्या है। दोस्तों, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होना बहुत ज्यादा एक आम बात है और विंटर्स में तो ये बहुत ही आम हो जाती है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है विंटर्स में खासतौर से। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जिसके लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट्स बाहर से खरीदने की जरूरत कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको इसके लिए सिंपल सी दो चीजें चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि वो दो चीजें क्या है। तो दोस्तों, यहाँ आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इस वक्त मेरे हाथ में है ये मॉइसॉफ्ट का मॉइस्चराइजर, जो कि मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है। तो वैसे तो आपके पास अगर कोई सा भी मॉइस्चराइजर हो तो आप यूज कर सकते हो अपनी स्किन के हिसाब से। जो भी आप यूज करते हो मॉइस्चराइजर, आप वही रखिए, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मैं मॉइसॉफ्ट का यूज कर रही हूँ तो आप भी यही यूज करें। आपकी स्किन को जो भी सूट करता है मॉइस्चराइजर ले लीजिए। इसके लिए आपको मॉइस्चराइजर चाहिएगा और एक आइस क्यूब चाहिए, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। आज मैं जिस तरीके से आपको मॉइस्चराइजर लगाना बता रही हूँ ना गाइस, इस तरीके से आप अगर मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो आपकी स्किन पूरा दिन हाइड्रेट रहेगी, आपकी स्किन में नमी रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी आपकी स्किन और बिल्कुल भी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले मॉइस्चराइजर लूंगी और इस स्टेप को जब आप करते हैं ना गाइस, तो आपके फेस पर कोई भी मेकअप नहीं लगा होना चाहिए। तो यहां पर मैं एक आइस क्यूब ले रही हूँ, ये देखिए। अब जितना भी आपके फेस पर मेकअप है उसे रिमूव कर लीजिए, कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए आपके फेस पर। और इस स्टेप को आप डेली कर सकते हो, डेली ही आपने करना है। बस आप मॉइस्चराइजर जिस तरीके से लगाते हैं वो तरीका आपने थोड़ा सा चेंज करना है। आइस क्यूब को आपने मॉइस्चराइजर में ही मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक आपने इस स्टेप को करना है गाइस। और जब आइस क्यूब आपकी खत्म हो जाए तो आप इस तरीके से मसाज कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज कर ली है और आप देख सकते हो स्किन बहुत ही क्लियर लग रही है। और बर्फ लगाने से गाइस क्या होगा कि आपके स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट होंगे, एक्ने वगैरह होंगे, पिंपल्स होंगे, तो वो भी ये रिमूव करने में आपको हेल्प करेगी। और आप इस तरीके से अगर मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो पूरा दिन आपकी स्किन में नमी रहेगी। अगर आप इस तरीके से मॉइस्चराइजर लगाते हैं, आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ये इस तरीके से लगाने से। और फ्रेंड्स, जब भी मैं इस तरीके से मॉइस्चराइजर लगाती हूँ ना, तो मुझे मेरी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्मूथ नजर आती है और आप भी देख सकते हो बहुत अच्छा एक ग्लो भी आता है आपकी स्किन में। और इस तरीके से अगर आप आईज को लगाते हैं ना, तो आपके फेस पर जितने भी पिंपल्स और डार्क स्पॉट है वो उनके दागों को भी ये रिमूव करने में हेल्प करेगी आपको। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की ट्रिक। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी मेरी ये ट्रिक। और पसंद आए तो प्लीज गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।